हेलो फ्रेंड्स, आज हम चीज पॉकेट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये पैन में एक चम्मच बटर डाला है। बटर डालने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें एक चम्मच, ये बड़े चम्मच इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालकर मैं इसको मैं धीमी आंच पर इसी तरीके से भूनूंगी। अच्छी थोड़ी सी इसमें जब महक आने लगे तब तक मैं इसको मैदे को भूनूंगी। ऐसे ही मेरी मैदा भून गई है और मैं इसमें अब ये दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी ताकि इसमें गांठें ना पड़े। इसको बिल्कुल भी ऐसे ही रख चलाते रहना है ताकि ये गांठें ना पड़ता है इसमें। इसके बाद मैं इसमें ये सारी सब्जियां, मैंने ये शिमला मिर्च और गाजर ही छोटी छोटी काटी है, इस तरीके से इसको डालूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी कॉर्न भी डालूंगी। कॉर्न दिए हैं इसको भी डाल रही हूँ। ये मैंने चिली फ्लेक्स और ये ऑरिगेनो दिया है इसको भी डाल रही हूँ। काली मिर्च भी मैंने ऐड की है। इसके बाद में हम इसको बहुत अच्छे से थोड़ा इसको चलाएंगे। इसमें इसके बाद मैं इसमें मिक्स हर्ब भी डाल रही हूँ। ये मिक्स हर्ब है, इसको भी लीव्स में इसमें डाल रही हूँ। ऑरिगेनो मैंने इसमें डाला है और ये मैंने चिली फ्लेक्स भी इसमें डाला हुआ है। इसके बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। मैंने ये हाफ कटोरी चीज़ भी इसके डाल दी है। इस तरीके से हमारा ये चीज़ पॉकेट कस्टम बनके रेडी हो चुका है। बाकी प्रिपरेशन मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं एक ब्रेड लूँगी और ब्रेड के मैं ये चारों कोने ये चाकू से ये काट दूँगी। इस तरह से मैंने ये काट कर रखा हुआ है। ये इस तरह से मैंने ये पूरे कोने काट दिए हैं और मैं इसको बिना पानी के ही ऐसे हल्का हल्का थोड़ा सा इसको बेलूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये बेल लिया है ब्रेड और मैं इसमें ये चीज़ पॉकेट कस्टर्ड भर रही हूँ बीच में। इस तरीके से मैं इसको भरूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें इसको फोल्ड करूँगी। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में मैदे और पानी का मैंने ये घोल बनाया है, इसको मैं ये इस तरीके से चिपकाऊँगी। इस तरीके से फ्रेंड्स, इसको मुझे चिपकाना है मैदे और पानी के घोल से। उसके बाद मैं कॉर्नफ्लोर और ये मैंने मैदे का घोल बनाया है इसमें इसको डिप करूँगी। इस तरीके से डिप करने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसको ये मैंने ये ब्रेड के जो बाल रखे उसको पीस लिया है, उसको इस तरीके से चिपकाऊंगी। चिपकाने के बाद फ्रेंड्स, मैं मेरा ये इस तरीके से चीज़ पॉकेट बन जाएगा। इस तरह से मैं सारे चीज़ पॉकेट बनाकर कम से कम 25 मिनट के लिए फ्रिज में ऐसे ही रखूंगी। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने ये सारे चीज़ पॉकेट बनाकर फ्रिज में रख दिए हैं और ये कम से कम 20 मिनट तक मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। 25 मिनट तक फ्रिज में रखूँगी, फिर आगे मैं इसको आपको बनाकर दिखाऊँगी। जैसे फ्रेंड्स, ये मैंने चीज पॉकेट निकाली है और मैंने ये कढ़ाई में ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और मैं अब इसमें ये चीज पॉकेट डाल रही हूँ और इसको मैं धीमी आंच पर सेकूँगी। इस तरह से फ्रेंड्स, ये मेरी ये चीज़ पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, ये इस तरह से हमारी चीज़ पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आती है। आजकल के बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से हम इसको बनाकर अपने बच्चों को ये हेल्दी भी रहेगी इसको दे सकते हैं। आपको मेरी चीज़ पॉकेट की रेसिपी कैसी लगी, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।